ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम सर्जरी पर चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर हार्ट सर्जरी पर। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह राव। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हम ओपन हार्ट सर्जरी पर बात कर रहे थे, तो उसमें जो सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद रिकवरी कितनी जल्दी होती है, वो जानना चाहेंगे आपसे। ओपन हार्ट सर्जरी में एवरेज हॉस्पिटल स्टे 5 से 7 दिन का होता है। इस दौरान एक से दो दिन तक मरीज आईसीयू में रहता है, उसके बाद उसको कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, फिर पैदल चलाते हैं उनको। बट अगर सब ठीक चलता रहे तो 5 से 7 दिन का स्टे होता है। जी डॉक्टर साहब, से जानना चाहूंगा, ये तो आपने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन का स्टे होता है हॉस्पिटल में, ज्यादा समय नहीं गुजारना पड़ता अगर ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो व्यक्ति की। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है जब सर्जरी के बाद, वो जानना चाहिए। पेशेंट्स को यूजली ओपन हार्ट सर्जरी के बाद प्रिकॉशन, मतलब कुछ भारी सामान नहीं उठाना होता है, इन्फेक्शन से दूर रहना होता है, जैसे किसी को घर में बीमारी है, किसी को जुकाम लगा हुआ है, बट ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होता है। मैं तो कई बार अपने पेशेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि वॉक करें, अपना दिनचर्या डेली नॉर्मल रूटीन रखें, ताकि उनको जल्दी से जल्दी वो अपने जो नॉर्मल रूटीन था पहले उसके अंदर ढल जाएँ, जल्दी से उसमें आ जाएँ। तो कोई ऐसा स्पेशल, हम लोग कभी कभी किसी पेशेंट्स के अंदर कोई स्पेशल चीज़ होती है तब उसको कुछ प्रिकॉशंस के लिए बता रहे हैं, वरना धीरे 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 पेशेंट्स वॉकिंग करना और अपना डेली रूटीन कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष जी हैं भरतपुर से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, ये मैंने कभी मेरे कभी पहले दर्द हुआ था। हाँ बोलिए जी। संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे पहले एक बार दर्द हुआ था सीने में। हाँ बताइए। तो मैंने ईसीजी जो जांच वो करवाई थी, वो नॉर्मल आई है। और कोई भी ऐसी जांच होती है जैसे? टीएमटी करवा सकते हैं आप। उम्र कितनी है आपकी? हाँ, शायद संतोष जी जी वो सुन नहीं पा रहे हैं लगता है। टीएमटी एक टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसके अंदर हम आप लोग को एक ट्रेडमिल या पट्टे पे दौड़ाते हैं, उस दौरान ईसीजी करते हैं। अगर वो भी नॉर्मल आती है तो फिर आपको हृदय की बीमारी होने की संभावना कम है। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उन पर बात कर ली, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी सेफ कितनी होती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मरीज जब सर्जरी करवाते हैं तो काफ़ी डर में होते हैं, काफ़ी डरे हुए महसूस करते हैं, तो वो जानना चाहिए। तो इसमें ओवरऑल मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि ओपन हार्ट सर्जरी सेफ है, खासतौर पर आजकल इतने सारे नए नए एडवांसमेंट, इतने नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उसके हिसाब से सेफ है। रिस्क जो है हर एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, हर एक बीमारी के हिसाब से रिस्क होती है, बट जनरली इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि वो सेफ होती है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नसीर जी हैं बूंदी से। नसीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं बोलना चाह रहा था। हेलो सर, मैं बोलना चाह रहा था, मैं पिछले 6 महीने से मेरे भी सीने में सूजन सी होती है। उम्र क्या है नसीर जी आपकी? 40 साल। धूम्रपान करते हैं क्या आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, पैदल चलने पर घूमने फिरने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। नसीर जी, ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है हृदय की नहीं लग रही है मुझे, ये मांसपेशी की लग रही है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलें और पूरा इवैल्यूएशन कराएं। जो चुभन जैसी दर्द, जो चुभन जैसा सीने में फीलिंग होती है और चलने फिरने पर कुछ नहीं होता, वो 99% मांसपेशी के कारण होती है। तो एक बार जरूर डॉक्टर से मिल लें आप अपने, लेकिन मुझे लगता है कि हृदय की नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश जी हैं भरतपुर से। नरेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे जी अपने मामा जी के बारे में पूछना है, उन्होंने अभी एंजियोप्लास्टी कराई है, तो अब वो जैसे वॉक करते हैं तो उनके पैर भर जाते हैं दोनों, तो किस वजह से दर्द? अच्छा, पैरों में दर्द हो जाता है। हाँ, पहले भी होता था क्या ये? नहीं, पहले नहीं होता था, अभी एंजियोप्लास्टी के बाद। और कोई सीने में भारीपन? सीने में तो भारीपन नहीं होता, बस ये बताते हैं कि पैरों में भरी आते हैं, पैर चलने में दिक्कत। तो देखिए नरेश जी, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो शायद एंजियोप्लास्टी के बाद वो चलना कम कर दिया होगा उन्होंने बहुत। और एक सवाल, डायबिटीज की बीमारी है क्या उनको? डायबिटीज नहीं है उनको। अच्छा, तो मैं तो चाहूँगा कि थोड़े दिन और एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, देखें उनको कैसा लगता है। कभी कभी एक दो दवाइयों के कारण भी इस प्रकार की सिम्टम आ सकते हैं।
आप वॉक करें और देखो कि अगर पैदल चलने पर पैरों में भारीपन आता है और बैठते आराम मिल जाता है तो कभी कभी पैरों की नसों के अंदर रुकावट होती है, उसके अंदर भी इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अभी आप रिकवर हो रहे हैं अपने हार्ट की प्रॉब्लम से, आप थोड़ा सा अपना वॉकिंग बढ़ाओ, पैदल चलते रहो, और फिर भी अगर ये परेशानी रहे तो आप अपने डॉक्टर को जाके फिर से दिखाइए, क्योंकि वो देखेंगे कोई नस पैरों की आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर किसी मेडिसिन के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, के लिए भरतपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, डब्बू जी हैं। डब्बू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए डब्बू जी। लगता है कि डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जितने भी जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज आप दे सकें, जिससे कि जितने भी जो लोग हैं हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है और या फिर हार्ट डिजीज जितनी भी होती है उनसे बच सके। नहीं, ये इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हृदय की बीमारियों का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो एक तो धूम्रपान और दूसरा लाइफस्टाइल। मैं चाहूँगा कि अपन अपनी सोसाइटी में और अपने परिवार में और अपने मिलने जुलने वालों के अंदर धूम्रपान को कम पूरी तरह डिस्करेज करें। जो लोग धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान बंद करें अपना। और दूसरा, वजन ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज करें नियमित रूप से। मैं चाहूँगा कि 30 मिनट आप अपने लिए व्यतीत करें, आधा घंटा आपको क्या तो पैदल तेज चलें या जॉगिंग करें या कुछ भी करें, लेकिन 30 मिनट आप अपने शरीर पर बिताएं। इस प्रकार आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का ये मानना होता है, मिथ होता है उनके दिमाग में कि हार्ट अटैक जो होता है और या फिर हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा उम्र में ही होती हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कुछ। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं अमेरिका में था, एवरेज एज हार्ट अटैक की वहाँ पर 60 साल है और एवरेज एज हार्ट अटैक की अपने देश के अंदर 40 साल है। और धीरे बिल्कुल और धीरे धीरे होता क्या जा रहा है कि हृदय की बीमारी अब यंग लोगों में आती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया 22 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक था। बिल्कुल, तो अपने देश के अंदर लाइफस्टाइल चेंज के कारण धीरे धीरे हृदय की बीमारियां यंग लोगों में भी होती जा रही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उन्हें इतनी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। आप सभी से फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।